दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से अप्सरा साधना से होने वाले लाभ के बारे में बताया था और हमने आप सभी को ये भी कहा था कि अगर मुझे आप सभी में अप्सरा साधना के संबंध में रुचि दिखती है तो हम आप सभी को अप्सरा साधना कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप सभी को अप्सरा साधना कैसे करें, इसके क्या नियम है, इन सभी बातों को बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय साधना पद्धति में सौंदर्य की साधना करना भी एक आवश्यक गुण माना गया है। सौंदर्य शब्द को लेकर समाज में आज जो भी धारणा है उसके विषय में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु प्राचीन काल में ऋषियों के मन में सौंदर्य को लेकर कोई द्वंद्व नहीं था और ना उनके मन में कोई ऐसी धारणा थी कि सौंदर्य की उपासना अपने आप में कोई अश्लील धारणा है। और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में सौंदर्य का मूर्त रूप अप्सरा को मानकर प्रकारांतर से सौंदर्य की ही उपासना करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि सौंदर्य नारी के ही माध्यम से अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में स्पष्ट हो सकता है। और संसार की तीन अद्वितीय सुंदरियां मानी गई है, उर्वशी, रंभा और मेनका, और इनमें से भी सर्वप्रिय है उर्वशी। उर्वशी के बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि वह चिरयौवना है, हजारों वर्ष बीतने पर भी वह 18 वर्ष की उम्र की युवती के समान अल्हड़, मदमस्त और यौवन रस से परिपूर्ण रहती है। इनका सारा शरीर एक अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण रहता है, जिसको देखकर व्यक्ति तो क्या देवता भी ठगे रह जाते हैं। अप्सराओं की साधना अनेकों रूप में की जाती है, जैसे कि माँ, बहन, पुत्री, पत्नी अथवा प्रेमिका, और साधक जिस रूप में इनकी साधना करता है ये उसी प्रकार का व्यवहार या परिणाम साधक को प्रदान करती है। दोस्तों, हमने आप सभी के लिए एक अप्सरा साधना की पूरी विधि का एक PDF फाइल जारी किया है और जिसे हमने बहुत ही मुश्किल से एक योग्य गुरु से हासिल किया है। वीडियो के एंड होने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस फाइल को डाउनलोड जरूर कीजिएगा और उसे ओपन करके पूरी विधि और नियम को बड़े ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़िएगा ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे और आप इस साधना को ठीक तरीके से सिद्ध कर पाए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।